माँ एक छोटा सा लफ्ज पर इस छोटे से शब्द से वजूद है मेरा। माँ जब पापा कुछ दिनों के लिए काम से कहीं बाहर जाती है, उनकी याद इतनी नहीं आती, मगर तेरे कुछ पल के लिए कहीं जाने पर बार बार घड़ी की सुई देखती हूँ मैं। ऐसा क्यों माँ? बचपन में मेरे बीमार हो जाने पर सब सो जाया करते थे, यहाँ तक कि मैं भी सो जाया करती थी, पर तू जागती थी माँ। ऐसा क्यों माँ? तू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, मगर हर बार मुझे एग्ज़ाम से पहले अपने पास बैठा कर पढ़ाती थी। तुझे याद है माँ, तूने मुझे क लिखना सिखाया था, मैं आज तक नहीं भूली। गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, बकरी की पूंछ, हाथी की सोन। आज जब यह सब याद करती हूँ तो हंसी आ जाती है माँ। पर देख, आज तेरे सिखाई अक्षरों से मैं तेरे लिए कविता लिख रही हूँ माँ। माँ रिजल्ट मेरा आता था, आता है, पर खुश तू होती है माँ। माँ तू गांव से शहर आई थी और पीटीएम में मेरे साथ जाने से पहले, साड़ी ऐसे नहीं मम्मी, ऐसे, ये कलर नहीं मम्मी यार, ये वाला, बाल यूँ नहीं बनाओ मम्मी, बाल यूँ बनाओ प्लीज़, ये सब मैं कहा करती थी। पर माँ खूबसूरत तो तब भी थी और आज तो उफ़, बस मैं ही उस वक्त अंधी थी माँ। माँ स्कूल मैं जाती थी पर मुझसे पहले तोड़ जाती थी। दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं, पराठे टिफ़िन में लंच तक ठंडे तो नहीं हो जाएंगे, तेरी ज़िंदगी की अलग ही परेशानियाँ थी माँ। मेरे बालों को कसकर पकड़ दो चोटियाँ बनाना, रिबन लगाना और मेरा सुबह सुबह आधी नींद में स्कूल जाना। पर तेरे कारण माँ मैं रोज़ प्रॉपर स्कूल जा पाई। मेरी आंखों की नींद और स्कूल ना जाने के मन के अलावा सब तेरे कारण परफेक्ट होता और रोज़ स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म के लिए तालियां सब मेरे लिए बजा दिया करते थे। माँ मेरे एग्ज़ाम्स के लिए तूने कितने ही फंक्शंस मिस किए, पर हमेशा फिर भी खुश रही माँ। जब मुझे वो दुकान में रखी गुड़िया पसंद आई, तूने तेरी साड़ी के लिए बजाए पैसों से मेरे लिए वो गुड़िया खरीद दी माँ। ऐसा क्यों माँ? सब्जी कम पड़ जानी पर सबको सब्जी डाल, खुद अचार के साथ रोटी खाना। ऐसा क्यों माँ? सबकी पसंद की चीज़ें बनाना पर अपनी पसंद सबकी पसंद को बना लेना। ऐसा क्यों माँ? अपने बीमारी को सबसे छिपाना ताकि हमारे लिए चीज़ें ला सके। ऐसा क्यों माँ? मेरे लिए डॉक्टर की लंबी लंबी लाइनों से लेकर बस के धक्के सब सहन करना। ऐसा क्यों माँ? एक माँ पत्नी बेटी बहन मौसी बहू